अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहु। आज का जो मेरा वीडियो है ये रॉडी शीटरों के वास्ते, जो रॉडी शीटर अपने आप को जो मर्डर करके किसी का खून करके या कोई बड़ा बहादुरी का काम कर रहे समझ रहे बोल के सोच रहे हो लोग ऐसा, उनकी सोच इतनी गंदी सोच है ना कि नाली में का गटर का कीड़ा जो रहता है ना उन्हें कभी एक माने में अच्छा रहेंगे, उससे गंदी सोच है लोगों की। एक इंसान का कत्ल करके एक इंसान के खून से अपना हाथ धो के ये इंसान बड़े रुआब से बड़े शान और शौकत से जो रोड पे चलते कि मैं किसी का मर्डर करा हो, जो लोग इनके चमचे बन के फिरते उनके ऊपर तो थू है और शर्म है उनके ऊपर कि किसी की माँ की बद्दुआ लेके एकदम कैसा जी रहे। और मैं हमारे तेलंगाना की पुलिस से आजीजी और रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, जैसा हम रेप करने वालों को सजा देते फांसी की बोलते ना, ऐसी ये मर्डर करने वालों को सजा मिले ताकि कोई और मर्डर करने वाला पैदा ना हो, कोई और बेगुनाह ना मरे। चाहे उन्हें बेगुनाह रहने दो, चाहे उन्हें गुनहगार रहने दो, पुलिस उसके लिए मौजूद है और अल्लाह उसके लिए मौजूद है। चाहे कौन से भी धर्म का रहो, चाहे हमारे मुसलमानों का रहो, चाहे वो हिंदू रहो, चाहे कोई भी रहो, सजा सबको एक जैसी मिलनी चाहिए। मर्डर करने वाले को भी सजा मिलना चाहिए और उसकी सजा आप लोग ऐसी दो ताकि कोई मर्डर करने वाला दूसरा पैदा ना हो। मैं हमारी तेलंगाना गवर्नमेंट से और हमारी पुलिस से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी ताकि फिर हमारे तेलंगाना में ऐसे मर्डर के किस्से ना आए। एक दिन में 4 मर्डर कोई आम बात नहीं है, एक दिन में दिन दिवाले जो बच्चे को मारा गया कोई आम बात नहीं है, 22 साल का बच्चा। और जो हमारे मीडिया के लोग हैं मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर से आप लोग ऐसी न्यूज डाल रहे तो उसके नीचे ये डालिए कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए लोग इतनी बोलकर डालिए कैप्शन जब डालते आप लोग। मैं प्लीज मैं बोलना चाह रही हूँ ताकि केसेस ऐसे ना हो, मर्डरों के हो या रेपों के हो, चाहे चोरी के हो, चाहे कोई भी केस हो। हमारे तेलंगाना पुलिस जैसा लॉकडाउन में जैसा सख्त कार्रवाई कर रही थी, जैसा हर गली के लोगों को जहां भी बच्चे ठहर रहे थे जो भी कर रहे थे उन लोगों को मार रहे थे, जैसा मार रहे थे ऐसे गुनहगारों को मारो ताकि कोई दूसरा गुनहगार ना बने। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी।